मामूलक है और ये बार बार नहीं मिलेगा। ये आपको किसी ने नहीं बताया कि इस मनुष्य शरीर का असली काम, असली उद्देश्य किस काम के लिए आपको यहाँ मृत्युलोक में ये दिया गया है। इसको सब लोग बस इस झगड़े झंझट में, खाने पीने में, उठने बैठने में, लड़ाई झगड़े में इसमें सब बिता देते हो। रात को भी वही संकल्प देखते हो और दिन को भी वही देखते हो। ना आपके हाथ में रात का पड़ेगा और ना आपके हाथ में दिन का पड़ेगा। ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए अपने आप को मालिक ने दिया और आगे देखो मेरा ये मनुष्य शरीर दिया हुआ ये साफ सुथरा है और तुम इसमें बैठकर अपनी जीवात्मा का कल्याण, अपनी जीवात्मा को भगवान के पास में पहुंचा दो। हमारे मकान को गंदा मत करना, मैं तुमको तो किराए पर देता हूँ, भाड़े पर थोड़े दिन के लिए, समय पूरा होते ही मैं आ जाऊंगा और तुमको मकान से बाहर निकाल कर और मैं अपना मकान ले लूंगा। उसने ये कहा मेरे मकान में गंदगी मत जमा करना। तो आपने उसके अमूलक मकान को जो आपको दिया गया है उसमें कूड़ा कचरा, पाप और पुण्य, अच्छा और बुरा आपने इसमें भर लिया। अब श्वासों की पूंजी खत्म हो रही है, तो वो आने वाला है और सामने खड़ा हो गया कि मकान को खाली कर दो, अभी आप क्या करोगे? उसके सामने होश उड़ जाएगा, आंखें बंद हो जाएंगी, कान बंद हो जाएंगे, जवान आपके मतलब वो भी बंद हो जाएगी, बुद्धि जो है वो पागल हो जाएगी, कहकर निकलो मकान, पहचानना भी बंद, सुनना भी बंद, बोलना भी बंद, समझना भी बंद और मनुष्य रूपी इस किराए के मकान से जीवात्मा को निकाल करके बाहर करेगा, फिर तुमको ले जाएगा और वहां पर हिसाब करेगा कि तुमने कितना पाप किया और कितना पुण्य किया। उसी कर्म के आधार पर तुमको पशु में, पंछी में, कीड़ों में जाकर के बंद कर देगा, फिर यह मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। यह अमूलक उसने आपको ये निधि दी है, हमको ये चाहिए कि इसमें जीवात्मा बैठी उसको जगाया जाए। तो आप किसी से रास्ता पूछते नहीं हो, भाई किस रास्ते से भगवान देखा जाएगा, किस रास्ते से मिल जाएगा, कोई रास्ता है मनुष्य रूपी मंदिर में? तो सबके पास भगवान के पहुंचने का रास्ता मनुष्य रूपी मंदिर में, कहीं बाहर नहीं है कि तुम पूरब में जाओ, पश्चिम में जाओ, उत्तर में जाओ, तुम्हारे मनुष्य मकान में उसके पाने का, देखने का, दर्शन का और जीव को यानी मतलब यह कि पार करने का इसी से रास्ता। तो तुम किसी जानकार के पास जाते हो, उससे पूछते कि भाई भगवान के मिलने का कोई रास्ता है, तो वो बता देता आपको और फिर कहता कि देखो ये रास्ता है, इसे चलो। तो देवी और देवता और भगवान और ब्रह्मा और विष्णु महादेव और ईश्वर और ब्रह्म सब मिल जाएंगे। तो आप तो दिन भर इस काम में लगे रहते हो, दिन गया धंधे में, रात गई तो हीरा जलम अमोल था कौड़ी बदले जाए। क्या आपने कर दिया मनुष्य शरीर पाकर? क्योंकि ये तो अमोलक मनुष्य शरीर है, सारे संसार की दौलत को एक जगह रख दिया जाए और इसकी आरती की जाए कि हमको फिर से मनुष्य शरीर ये खड़ा कर दो, दे दो, इसमें जीवात्मा को वापस ले आओ, तो ये धन दौलत नहीं कुछ कर सकता। ऐसा आपको सबको अमोलक मनुष्य शरीर दिया गया, चाहे किसी भी जात का हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, अर्जन हो, मुसलमान, ईसाई हो, भगवान के पाने का सबको ये अवसर दिया। आप कहोगे हमको भगवान के पाने का अवसर नहीं मिला, तो इससे बढ़कर के और क्या मिलेगा? अब आपको इसमें बैठकर किसी महात्मा की खोज करना है जो भगवान को पा चुका, उसको अगर आपने पा लिया और उसके पास पहुंच गए तो भगवान के पाने की आपने इच्छा जगा देगा। और जब इच्छा जाग जाएगी तो आप कहोगे मुझे रास्ता बताइए, तो रास्ता देगा। फिर आप बैठ करके मनुष्य रूपी इस मकान में फिर वजन करना, जब वजन करोगे तो तुम्हारी दिव्या ज्ञान चष्टु तीसरा नेत्र खुलेगा, उस नेत्र से भगवान और देवी और देवता देखे जाते हैं। ये बाहर की जो चर्म आंखें, जो शरीर की आंखें, ये देवी देवता को, स्वर्ग और बैकुंठ को नहीं देख सकती है,
जब तुम्हारी अंदर की आंख खुल जाएगी वो उनको देखेगी और उससे मिलेगी और भगवान को देखेगी, तब बेड़ा पार, तब भवसागर से उतरोगे। ऐसे नहीं, मेरी तरफ बड़े ध्यान से देखो, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में सब मनुष्यों में ये जीवात्मा बैठी हुई है। इधर देखो आप, ये दोनों आंखों के बीचों बीच में तो ये शरीर के नाके के ऊपर बैठी है, उधर में स्वर्ग का नाका, इधर मनुष्य शरीर का नाका। तो जो आपको यहाँ बैठाया था और आपने ये कहा था कि जिसको पकड़ के आए उसको छोड़ना नहीं, तो आप सुख सुविधा में लग गए और ये संसार के ये काम ये करने लगे, ये देखने लगे, सुनने लगे और इन पर्दों को ये कहने लगे, ये मेरा है, ये बच्चा मेरा है, खेती मेरी है, पेड़ मेरा और ये मेरा और ये मेरा। तो इस लोभ लालच में मोह ममता में फंस गए तो अंदर में मैल जमा हो गया। तो अंदर की तुम्हारी जो जीवात्मा की आंख थी एक, वो तो हो गई बंद, अब देखना बंद हो गया और सुनना बंद हो गया। तो दो आंखें तुम्हारी शरीर में और एक जीवात्मा में, तीन आंख हो गई। तीन तुम किताबों में देखो, उसमें लिखा हुआ है कि महात्माओं के पास जाओगे तब तीसरी आंख तुमको मिलेगी, और बिना महात्माओं के गए हुए तीसरी आंख नहीं, और तीसरी आंख से स्वर्ग मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा, ईश्वर का दर्शन होगा। इन चर्म आंखों से देवी देवताओं को आप नहीं देख सकते हो। फिर उन्होंने कहा कि भाई देखो, ये जीवात्मा बैठी है, उसमें एक कान है और शरीर में दो कान, तो बाहर के कान बाहर की आवाज सुन दे और जीवात्मा का कान भगवान की आवाज को सुनेगा। तो तुम्हारे घट घट में मनुष्य रूपी मकान में घंटे और घड़ियाल, आरती पूजा 2400 घंटे हो रही है, तुमने कभी अपनी जीवात्मा से उसको सुना और देखा? सो रहे हो, ऐसे ही चले जाओगे, न तो ये जमी जाएगी, न ये बच्चे जाएंगे, न तुमने सोना चांदी जमा किया वो जाएगा, न कपड़े जाएंगे, ये कुछ भी नहीं, सब छोड़ के और तुमको यहाँ से निकाल कर इसी मकान को उठा करके वहां जंगल में ले जाकर के शमशान में पहुंचा के जला देंगे। क्या आपके साथ जाएंगे? क्या जाए थे आप? कुछ नहीं, अकेले आए थे। जब जाने लगोगे तो अकेले जाओगे, लेकिन इस माया में, इसमें ऐसे जड़ माया में फंस गए हो कि तुमको अपना होश ही नहीं है कि मुझे, मैं किस रास्ते से आया हूँ, कैसे वापस जाऊंगा, रास्ता भूल गए। अब महात्मा महापुरुषों की जरूरत है को रास्ता बताए, बिना उनके रास्ता बताए हुए जो जानता है वही रास्ता मनुष्य रूपी मकान में बताएगा। और तुम्हारा ये जो दिल है, ये हृदय जो कूड़ा कचरा पाप और पुण्य का यहाँ भरा, यहाँ नहीं, यहाँ कूड़ा कचरा नहीं है, ये सब यहाँ पर भरा हुआ, उसको महापुरुष साफ करेंगे और फिर जब सफाई कर देंगे तो मन और बुद्धि और चित्त तुम्हारा निर्मल हो जाएगा। तो जीवात्मा जब साफ होगी तो आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे, सुनने भी लगना और देखने भी लगना, जब दिखाई देगा तो देवी देवताओं से मिलना भी, उनसे बात भी करना, और जो उसका रचने वाला जो है, जिसने ये सब कुछ बनाया, उसी दुर्गा भी दर्शन साक्षात्कार होगा। लेकिन तुम्हारे मनुष्य रूपी मंदिर में ही उसका घाट है, उसके पास जाने का। ये असली मंदिर है, ये मनुष्य मंदिर है, इसी को जिस्मानी मस्जिद कहते हैं, इसी को, इसी बाड़ी को कहते हैं चर्च। इसमें जीवात्मा बैठी हुई और जीवात्मा चेतन है, शरीर जड़ है, इसमें आकर के फंस गई। अब इसको कैसे निकाला जाएगा वो तो महात्मा जब युक्ति बताएंगे, रास्ता बताएंगे, तो धीरे से ये जीवात्मा, मतलब ये जाग जाएगी और निकल के बाहर शरीर से बाहर खड़ी हो जाएगी। कैसे खड़ी होती है? जैसे मृत्यु के वक्त में जबरदस्ती निकाल के बाहर कर दिया शरीर, ये पड़ा। ऐसे ही साधन भजन करने पर जीवात्मा अलग हो जाती है और शरीर ये पड़ा वो अलग हो गई, तभी तो आप परमात्मा को देख सकोगे। जीत है जी, सबने कहा है कि मनुष्य रूपी मंदिर में जीवात्मा को घाट पर ला करके जगाओ तो दिव्य नेत्र ज्ञान चक्षु खुल जाए, तो जीते जी भगवान को पाओ। अरे भाई मीरा ने जीते जी पाया, तुलसीदास ने जीते जी पाया, रैदास जीते पाया, जब कलयुग में इन लोगों ने जीते जी बहुत महात्मा महापुरुषों ने और से पूरे प्राप्त कर लिया, वैसे आप भी कर सकते हो। लेकिन कोई महापुरुष प्राप्त करने वाला मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा तो जीवन अपना ऐसे ही चला जाएगा।
ये जो आप कर्म करते हो ये इंद्रियों का बाहर का कर्म है, जड़। ये फिर शरीर मिलेगा, अब की बार हाथ पे चला गया तो ये गांव आपको, ये बच्चे आपको, ये सब कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा। वो दूसरी योनी में कई जंगल में बंद कर देगा, वहां करोड़ों वर्षों तक भटकते रहो, रोते चिल्लाते रहो, उस दुख और दर्द में कौन सुनवाई करेगा। और नरकों में भेज दिया तो वहां कितने नाम के नरक है, उसमें सजाए देगा, वहां से लौट के आ नहीं सकते हो। इस मनुष्य शरीर को सार्थक करो।